हेलो व्यूअर्स, तो कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मनी और आप देख रहे हैं द फिल्मी मनी यूट्यूब चैनल, जहां मैं लेके आता हूं साउथ इंडियन फिल्मों की सीरीज, जिनमें आपको सस्पेंस, थ्रिल, हॉरर, मिस्ट्री, ड्रामा, एक्शन सब कुछ देखने को मिलते हैं। और हमेशा की तरह आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही साउथ की टॉप 5 सस्पेंस, मिस्ट्री, हॉरर पर बेस्ट फिल्मों के बारे में, जो आपकी फाड़ के रखने वाली है आंखें। और ये सभी फिल्में YouTube पर हिंदी में अवेलेबल है, जिनका लिंक मैंने हमेशा की तरह वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से आप इन सभी फिल्मों को एंजॉय कर सकते हो। तो ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे काउंटडाउन के नंबर 5 पर आती है साल 2022 में रिलीज हुई 5.4 आईएमडीबी रेटिंग के साथ तमिल लैंग्वेज की कॉमेडी ड्रामा मूवी सिकारू, जिसे निर्देशित किया है कोलागनी हरिकृष्णा ने। और इसके स्टार कास्ट में आपको नजर आएंगे धीरज अथरिया, धनसिका, अभिनव जैसे और भी कई सारे स्टार। बात करें मूवी की कहानी की, तो कहानी में एक पुलिस वाले की पत्नी, जो कि एक हाउसवाइफ होती है, वो एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध बनाने लग जाती है। लेकिन मूवी के इंटरवल में उसे अपने पति तथा उसके रिश्तेदारों द्वारा रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है। तो आगे वो किस प्रकार से अपने आप को बचाने का प्रयास करती है और इन सब के दौरान मूवी में क्या कुछ कॉमेडी ड्रामा होता है, जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। हमारे काउंटडाउन के नंबर 4 पर आती है साल 2022 में रिलीज हुई 6.3 आईएमडीबी रेटिंग के साथ तेलुगु लैंग्वेज की कॉमेडी थ्रिलर मूवी भाम कलापम, जिसे लिखा और निर्देशित किया है अभिमन्यु तंडीमति ने। और इसके लीड रोल में आपको नजर आएंगे प्रियमणि, सारण्य प्रदीप, प्रदीप मोहन जैसे और भी कई सारे कलाकार। कहानी की बात करें तो ये एक इंटरेस्टिंग थ्रिल वाली कहानी है, जो ऑनलाइन फूड रिलेटेड गाइडेंस देने वाली एक जिज्ञासु गृहिणी अनुपमा की है। जब वह एक हत्या की गवाह बनती है तो उसका जीवन एक बड़ा मोड़ ले लेता है। जैसे जैसे वह जांच में शामिल होती है, उसका सफर रहस्य और साजिश के साथ सामने आता है। एक अट्रैक्टिव कहानी और बेहतरीन एक्टिंग, खासकर मेन एक्ट्रेस प्रियमणि के साथ, ये फिल्म आपको अंत तक बांधे रखती है। मेरी नजर में ये मूवी काफी बेहतरीन है, जिसे आपको एक बार जरूर एंजॉय करना चाहिए। हमारे काउंटडाउन के नंबर 3 पर आती है साल 2022 में रिलीज हुई 5.9 आईएमडीबी रेटिंग के साथ तमिल लैंग्वेज की मिस्ट्री थ्रिलर मूवी मायन, जिसे हाल ही में यूट्यूब पर हिंदी डब्ड में उपलब्ध करवाया गया है। और इसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस मूवी को निर्देशित किया है एन किशोर ने। और इसके लीड रोल में आपको नजर आते हैं सीबी सत्यराज, तान्या रविचंद्रन जैसे और भी कई सारे कलाकार। कहानी की बात करें तो मायन एक शानदार काल्पनिक साहसिक कहानी है, जो अर्जुन की अपने पिता के लापता होने की सच्चाई को उजागर करने की खोज पर आधारित है, जिसमें अट्रैक्टिव अभिनय और रोमांचकारी एक्शन मिस्ट्री थ्रिलर के साथ ब्रेवरी, फ्रेंडशिप और डार्कनेस पर विजय की एक मैजिकल जर्नी हो, जिसके कारण आपको ये मूवी जरा भी बोरियत फील नहीं करवाती है। हमारे काउंटडाउन के नंबर 2 पर आती है साल 2018 में रिलीज हुई 6.8 आईएमडीबी रेटिंग के साथ तमिल लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा मूवी कड़ेकुट्टी सिंगम, जिसे लिखा और निर्देशित किया है पंडित राज ने। और मूवी के लीड रोल में आपको नजर आते हैं कार्थी, सयसा, भवानी शंकर जैसे और भी कई सारे कलाकार। कहानी की बात करें तो कड़ाईकुट्टी सिंगम एक दिल को छू लेने वाली पारिवारिक ड्रामा मूवी है, जो ग्रामीण भारत में एकता और परंपरा के महत्व को बड़ी ही खूबसूरती से दर्शाती, जो एक बड़े किसान परिवार और उनके संघर्षों के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें एक पिता और उसके सबसे छोटे बेटे के बीच के संबंध पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये दमदार अभिनय के साथ भावात्मक गहराई और एक शक्तिशाली संदेश देती है। जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के साथ सार्थक कहानी सुनना पसंद करते हैं, ये उन लोगों के लिए डेफिनेटली वर्थ सीइंग मूवी है, जिसे आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। हमारे काउंटडाउन के लास्ट और नंबर 1 पर आती है साल 2019 में रिलीज हुई 5.8 आईएमडीबी रेटिंग के साथ तेलुगु लैंग्वेज की सुपर नेचुरल रोमांटिक थ्रिलर मूवी नीनू वेदानी नेदानू नीनी, जिसे लिखा और निर्देशित किया है कार्तिक राजू ने। और इसके लीड रोल में आपको नजर आते हैं सुदीप किशन, अनन्या सिंह, वेनेला किशोर जैसे और भी कई सारे स्टार। कहानी की बात करें तो ये एक इंटरेस्टिंग थ्रिलर मूवी है, जिसमें पैरेलल लाइफ की जटिलताओं और किसी अन्य के कार्यों के परिणामों को दर्शाया गया है। एक यूनिक बेस और हिप्नोटिक प्रदर्शन के साथ ये फिल्म आपको पूरी तरह से अपनी सीट पर बांधे रखती है। इसमें सस्पेंस, ड्रामा और अलौकिक एलिमेंट्स का सहज मिश्रण है। तो यदि आपको सस्पेंस, ड्रामा और पैरानॉर्मल एक्टिविटी की फिल्में देखना पसंद है, तो ये मूवी आपको किसी भी कंडीशन में मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आपको कुछ टॉप 5 साउथ इंडियन फिल्मों की सूची दी है। अगर आप इन फिल्मों के फैन हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि यूट्यूब पर आने वाली सभी फिल्में आपको सबसे पहले मिल सके। हम जल्द ही आपको और ऐसी फिल्मों के बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए गुड बाय।